हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में मैं आपको लेकर आया हूं रुक्मणी मंदिर द्वारिका गुजरात में। दोस्तों, रुक्मणी मंदिर आने के लिए सबसे सही द्वारिका से जो भी टूरिस्ट लोकल बसें आती हैं वो रुक्मणी मंदिर होकर भी जाती हैं, तो सबसे सही साधन यही है रुक्मणी मंदिर आने का। दोस्तों, रुक्मणी मंदिर भगवान कृष्ण की प्रमुख पत्नी रुक्मणी को समर्पित है, जिन्हें माता लक्ष्मी का अवतार भी माना जाता है। मंदिर के शिखर पर लहराता विशाल ध्वज मंदिर की शोभा को दूर से ही सुशोभित करता है। दोस्तों, शिखर पर यह ध्वज प्रत्येक दिन तिथि एवं त्योहारों के अनुरूप बदले जाते हैं। मंदिर के गर्भगृह में माता रुक्मणी का चतुर्भुजी सुंदर विग्रह है। माता इस विग्रह रूप में शंख, चक्र, गदा एवं पद्म धारण किए हुए हैं। दोस्तों, द्वारिका धाम की यात्रा करने वाले भक्तों के लिए इस मंदिर के दर्शन के बिना यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती है। मंदिर के गर्भगृह में दर्शन से पहले मंदिर के महंतों द्वारा मंदिर से जुड़ी जो भी पौराणिक कथाएं हैं, उनकी जो भी मान्यताएं हैं, वो विस्तार से बताई जाती हैं। दोस्तों, द्वारिका के अधिकतर मंदिरों के ही तरह माता रुक्मणी का मंदिर भी बलुआ पत्थर से ही निर्मित है। दोस्तों, रुक्मणी देवी मंदिर में पीने का पानी का दान सबसे महत्वपूर्ण दान माना जाता है, क्योंकि मंदिर के चारों ओर पेयजल की भारी कमी है और हमें जल की महत्ता को समझाने के लिए प्रेरित भी करती है। दोस्तों, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग और भेड़ द्वारिका जाते समय रुक्मणी का यह मंदिर द्वारिका से निकलते ही रास्ते में ही पड़ता है। दोस्तों, मंदिर द्वारिका से बाहरी और लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मंदिर की दीवारों पर हाथी, घोड़े, देव और मानव मूर्तियों की नक्काशी की गई है। दोस्तों, वर्तमान मंदिर का अस्तित्व 12वीं शताब्दी की संरचना का माना जाता है। दोस्तों, इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।